इटावा शहर से भाजपा ने फिर जताया विधायक रितेश गुप्ता पर विश्वास। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुरादाबाद में नगर विधायक रितेश गुप्ता पर विश्वास जगाया है और फिर से मुरादाबाद महानगर से प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट घोषित होते ही समर्थकों की उनके हरपाल नगर स्थित कार्यालय पर भीड़ लग गई। समर्थकों ने रितेश गुप्ता का फूल मालाओं से स्वागत किया। मालूम हो कि पिछले चुनावों में रितेश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी यूसुफ अंसारी को हराया था। आप सिटिंग एमएलए भी हैं, पार्टी ने आप पर दोबारा से जो है अपना विश्वास जताया, किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुरादाबाद की नगर सीट से मेरे को पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मेरे को उनके बीच में भेजा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार की जीत पिछली जीत से भी बड़ी जीत होगी। विधायक जी, एक सवाल था, कुछ लोग भाजपा से छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, किस तरह का संदेश देंगे आप यहाँ पर? जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उनके अपने निजी एजेंडे हैं, वो लोग उनको या तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट चाहिए या उनके अपने पर्सनल समस्याएं हैं, पर्सनल एजेंडे हैं जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से वापस चले गए हैं भाजपा छोड़ करके, उसके बाद में ओबीसी जो वोट बैंक है उसको लेकर के, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा एक ओबीसी वोट बैंक भी है, कितना असर पड़ने वाला लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दल बदलू हैं वो, तो दल बदलुओं के आने से जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।